स्टूडेंट्स, अपन नीट का 2017 फिजिक्स सेक्शन डिस्कशन में लेते हैं। क्वेश्चन 136 से चालू हो रहा है। ये कहता है दो एस्ट्रोनॉट्स हैं और फ्रीली ये लोग ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में चल रहे हैं एंड दे हैव लॉस्ट द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द स्पेसशिप। तो इन दोनों के साथ क्या होगा? पहले ये अजम्पशन में रख लो कि ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मीनिंग यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से इन दोनों के पास कुछ मास होगा और डिस्टेंस आर अज्यूम कर लो। इस चीज़ को देखकर बच्चे लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे और बोलेंगे दे विल नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है। बट ये ध्यान रखो, उनका खुद का तो मास होगा, ठीक है। और अपन जब फोर्स पढ़ते हैं तो ये लिखते हैं कि ये तो यूनिवर्स पे लगने वाला है और ये हो जाएगा एम वन, ये हो जाएगा एम टू और उनके बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि एक थ्योरेटिक से हमें क्या मिल रहा है कि ये लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं। ये जो टर्म लिखी है ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, इसका मतलब है इस मीडियम के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जब थ्योरेटिकली अपन लोग पढ़ते हैं तो ये ज़रूर लिख देते हैं कि जो फोर्स होगा वो होता है बच्चों इंडिपेंडेंट। तो इसने क्या किया, अपन को कन्फ्यूज करने की कोशिश करी है कि फोर्स इंडिपेंडेंट होता है किसके, मीडियम के, और मीडियम को उसने फ्री बोल दिया है। तो कोई लिंक ही नहीं है बच्चों यहाँ पे। अल्टीमेटली आंसर क्या होगा अपना, अट्रैक्ट करेगा और आंसर होगा दे विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ऑप्शन वन इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन 137 में YDAC पढ़ना है अपन को, ठीक है। कहता है एक बार एयर में परफॉर्म किया है और बाद में उसको मीडियम में। ये भी बोल रहा है कि इट इज फाउंड दैट एट्थ, है ना, एट्थ ब्राइट फ्रिंज मीडियम के अंदर एट्थ वाली लाई करती है फिफ्थ डार्क फ्रिंज के साथ। जब भी बच्चों इस तरह कोइंसिडेंस वाला क्वेश्चन आए ना, कोइंसाइड करने वाला क्वेश्चन, बच्चों जब भी कोइंसाइड करने वाला क्वेश्चन आए ना तो ध्यान रखना अपने को y के टर्म को रिलेट करना है। y क्या होगा पहले ये समझ लेते हैं। जैसे ये दो स्लिट हो जाएंगे अपने पास S1 और S2 और ये आपके पास स्क्रीन हो जाएगा किसी डिस्टेंस d के बाद, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी अपन समझने के लिए बना रहे हैं। इस तरह से अपन YDAC का पैटर्न देखते हैं बच्चों, देखो, ठीक है। वाई स्टैंड्स इस रेफरेंस एक्सिस से किसी जगह पर मैक्सिमा आना शुरू होता है तो कहीं पर मिनिमा आना शुरू होता है, वही रिलेट करना है अपन को। तो कहता है एट्थ वाला ब्राइट, है ना, तो वाई फॉर ब्राइट किसको कोइंसाइड कर रहा है, ये वाई फॉर डार्क, ठीक है। ब्रैकेट्स में मैं यहाँ एट वर्ड यूज कर देता हूँ और ये हो जाएगा फिफ्थ। ये बात हो रही है बच्चों मीडियम की, तो यहाँ बात करी है उसने एयर की। क्वेश्चन ने इतना ही बोला है और डायरेक्ट यहाँ शुरू करना है। जब कभी अपन ब्राइट की बात करते हैं तो सीधा लिख लेते हैं एन लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, और डार्क की बात करेंगे तो आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, ये हो जाएगा डी बाय स्मॉल डी। अब गड़बड़ क्या होती है कि एक मीडियम लिखा और एक एयर लिखा है, तो मीडियम के लिए लैम्डा m हो जाएगा और एयर के लिए लैम्डा नॉट हो जाएगा। जो चीज़ें अलग हो रही उनको अलग कर दो, ठीक है। 8 लिखा है तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स लैम्डा m इज इक्वल्स टू 5 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9/2 टाइम्स लैम्डा नॉट। आंसर मिल रहा है अपन को लैम्डा नॉट डिवाइड बाय लैम्डा m, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 16/9, जिसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1.78 आएगा। और बेसिकली लिखा क्या है, ये थ्योरी की लैंग्वेज में लिखा है लैम्डा 1/λ2 जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और यही पूछा गया है। 1.78 मतलब ऑप्शन 3 अपना सही जा रहा है। पेपर में डायरेक्ट यहाँ से लिखना था अपन को, ब्राइट लिखा डार्क लिखा रिलेट किया और आंसर आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रॉब्लम 138 में। कॉमन एमिटर है अपने पास, ठीक है, और कह रहा है ऑडियो सिग्नल मतलब इनपुट का जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट, राइट, ये इनपुट का वोल्टेज हो गया बच्चों। रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर मतलब ये आउटपुट कहलाएगा, और करंट गेन लिखा हुआ है, बेस रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, और अपन को पूछा गया है वोल्टेज और पावर गेन बताओ। अल्टीमेटली आपसे उसने गेन मांगा है किसका, वोल्टेज का ये कितना होगा, और गेन चाहिए अपन को पावर का कि ये कितना होगा, ठीक है। पहले कॉमन एमिटर समझ लेते हैं जल्दी से, रफली क्या होगा। मैंने यहाँ पे NPN ड्रॉ किया हुआ, इसको बच्चों अपन बेस बुलाएंगे, ये हो जाएगा एमिटर और ये कलेक्टर।
कॉमन का मीनिंग है यहाँ पे ये चला जाएगा, ठीक है। इधर कहीं पे एक इनपुट का रेजिस्टेंस होता है और यहाँ कहीं एक लोड रेजिस्टेंस रखते हैं, तो ये हो जाएगा RL और ये हो जाएगा RIN। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे समझ के देखो, कलेक्टर पे कितना है 3 किलो ओम, तो ये टर्म आ रही है अपने पास 3 किलो ओम, और यहाँ है टर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 2 किलो ओम वोल्टेज गेन, है ना। बेसिक सा फॉर्मूला है, मैं रिपीट करता हूँ, AV नेगेटिव लिखते हो कि इन्वर्ट में आता, अपन को पता होता आउटपुट, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ बीटा, ये हो जाएगा RL डिवाइड बाय RN, ये दिया है और ये दिया है, और बीटा मतलब क्या होता है, बेसिकली करंट का गेन होता है, यहाँ पे करंट गेन भी दिया हुआ है। कोइंसिडेंटली मेंशन नहीं किया इसने कि करंट गेन कॉमन एमिटर का है, कॉमन बेस का है, कॉमन कलेक्टर का है, नहीं मेंशन किया है, तो अपन इसको इस तरह अज्यूम करके ले सकते हैं, मतलब करंट गेन की वैल्यू है 100, तो वो अपना आंसर हो जाएगा नेगेटिव में हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय लोड के साथ है 3 किलो ओम, और यहाँ पर है बच्चों 2 किलो ओम, वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, गेन है तो कोई यूनिट तो आनी नहीं है इसकी, ठीक है, 1.5 है, तो माइनस में आ रहा अपना आंसर 150, ठीक है। नेगेटिव पता होता है अपन को, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस चला जाएगा ये। बात करते हैं अपन यहाँ पर पावर गेन की, दो तीन फॉर्मूले होते हैं, अपन इजीएस यूज कर लेते हैं। एक होता है वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई कर दो पावर गेन के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के अंदर 150, और ये तो अपन को क्वेश्चन में गिवन ही था, यहाँ लिखा हुआ है 100, तो आंसर आ रहा है माइनस में 15000, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, और अपन को ऑप्शन नंबर बी टिक करना चाहिए। क्वेश्चन देखकर बहुत चीजें साफ हो जाती हैं, ट्रांजिस्टर पे प्रॉब्लम आएगा तो हमेशा सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आता है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, फॉर्मूला लिखा और आंसर मिल रहा है अपन को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 139 कहता है एक अरेंजमेंट है जहां पे तीन पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं, है ना, और परपेंडिकुलर प्लेन पे हैं और सबके पास एक जैसा करंट है, ठीक है, डायग्राम देखते हैं समझते हैं। ये एक करंट हो गया, यहाँ पर एक करंट वायर है और ये करंट वायर है, ध्यान रखना पेपर के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसी रखो इमेजिनेशन अपने की तीन वायर है, ठीक है, और अपने को पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स यहाँ पर फोर्स बाय एल, एफ बाय एल का टर्म पूछा है सेकेंड वाले वायर पे, है ना, मतलब इस पे क्या कंसेप्ट होगा। पहले दो वायर का पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद स्टडी करेंगे। लेट से आपके पास दो वायर्स हैं पैरेलल लॉन्ग वायर्स, ठीक है, पैरेलल और लॉन्ग वायर से, तो आप ये समझते हो डेरिवेशन करते वक्त कि एक यूनिट लेंथ के साथ पढ़ा जाता है जब इन्फाइनाइट होता है, इनके बीच की डिस्टेंस जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डी लिख दी है, और दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ एफ मिलेगा, एफ बाय एल का एक टर्म होता है, एफ बाय एल विल बी म्यू नॉट आई वन, मतलब पहले वाले का करंट, और यहाँ हो जाएगा दूसरा वाला करंट आई वन आई टू डिवाइड बाय 2 पाए, जो भी यहाँ पे डिस्टेंस हो, तो वो जाएगा डी। इसी कंसेप्ट को सॉल्व करना है और दो बार लिख लेना है। अब यहाँ सोचो इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है, करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब बी वाले को इस एंड पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा बच्चों। इन दोनों को देखो डिस्टेंस भी डी है, यहाँ पे दोनों के साथ करंट क्या हो रहा है, आउट टू द पेपर आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फोर्स इसी एंड पे लगेगा। मैं F1 F2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे F लिख देता हूँ, द रीजन बिहाइंड, दोनों के सब चीज़ें सेम है, डी भी देखो, तो आंसर क्या बन जाएगा, इधर एक रिजल्टेंट आने लग जाएगा, जो हो जाएगा F ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स ऑफ किसी भी एक का फोर्स, और यही तुम लोगों का आंसर है, ठीक है। तो जो यहाँ पे नेट फोर्स बनेगा या रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, वो हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, और ये अपना आंसर हो रहा है रूट टू, इसका मतलब होता है म्यू नॉट पहले का करंट दूसरे का करंट डिवाइड बाय 2 पाए, और डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे डी है। इसको रीअरेंज करूंगा तो रूट टू टू लिखा है, तो इसको नीचे लिख देते हैं अपन रूट टू पाए डी, और ऊपर आ गया म्यू नॉट आई स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ अपन को सही लग रहा है, और यही आप लोगों का नेट फोर्स होगा किस पर, बी वाले वायर पर, ठीक है। सीधा सीधा बच्चों ये फॉर्मूला लग रहा है, इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है, अपने को ये फॉर्मूला पता होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम 180 के, प्रॉब्लम 140 कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है
किसी न्यूट्रॉन का, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है और हैवी वाटर का टेम्परेचर टी जो कि केल्विन में रखा है, और उस न्यूट्रॉन का मास है ना बच्चों। इस पूरे के पूरे न्यूट्रॉन को ना एक पार्टिकल की तरह डील कर देते हैं अपन, तब जाके ये मास एम यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। रीजन बताता हूँ मैं। लैम्डा अपन जानते हैं कितना होगा, एच बाय पी होगा, मोमेंटम लिखा है, ये हो जाएगा एच डिवाइड बाय पी की जगह हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2m, और ये के ध्यान रखना ये काइनेटिक एनर्जी वाला के लिखा है सर ने। इतना तो क्लियर होगा बच्चों। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को अपन लोग टोटल एनर्जी कहते हैं या यू का टर्म कहते हैं, वो बच्चों होता है 3/2 टाइम्स ऑफ के टी। और यहाँ पे ये जो के होता है ना वो होता है बोल्ट्समन कांस्टेंट, बोल्ट्समन कांस्टेंट। तो ध्यान क्या रखा जाए कि किसी न्यूट्रॉन को थर्मल इक्विलिब्रियम में रख देंगे तो के ई की जगह पर ये टर्म आने लग जाएगा, इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, टोटल एनर्जी कह सकते हो, 3/2 ऑफ के टी लिखा है, यहाँ पुट कर देते हैं तो लैम्डा आ रहा है अपन लोगों का एच डिवाइड बाय रूट के अंदर लिखा है 2, ये हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और जो भी वहां पे टेम्परेचर है, ये कैंसिलेशन कर लेते हैं और अपन को आंसर मिल रहा है 3 mkt और एच है, तो आंसर आ रहा है अपना ऑप्शन नंबर 1। 140 के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। दिस विल बी द डी ब्रोगले वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉय के पढ़ते हैं इसको, ये साइलेंट टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 141 में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ए है जिसका डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा है और दूसरा बी है जिसका लैम्डा है, दोनों के पास शुरू में क्या है बच्चों, एक जैसे न्यूक्लियाई है, मतलब यहाँ पे अपन को कॉमन एन नॉट लेके पढ़ना होगा। फिर कहता है कितनी देर के बाद दोनों का जो रेशियो है बी और ए का वो 1/e कहला जाए। तो अज्यूम करके चलते हैं अपन एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर ए के क्या हालचाल है और बी के क्या हालचाल है, यहाँ लिखना होगा एन नॉट और यहाँ भी क्या होगा एन नॉट। किसी भी टाइम टी पर इसका टर्म हो जाएगा एन ए, इसका टर्म हो जाएगा एन बी, इन दोनों का रेशियो बोला अपन को साफ साफ, ठीक है। और किसी भी इंस्टेंट पे अपन पढ़ते हैं ना बच्चों तो ये क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है, ये हो जाता है एन नॉट ई टू पार माइनस लैम्डा टी, डी के की क्वेश्चन है, इन सब की जरूरत नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं फिर से, रेशियो निकालना है किसका, बी का और किसका बच्चों, ए का। तो हो जाएगा यहाँ पे एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/e एज पर द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नहीं बोला अपन को एन ऑफ बी कितना होगा, ये हो जाएगा शुरू में कितने थे ई की पावर माइनस में, इसका डीके कांस्टेंट कितना है लैम्डा, तो हो जाएगा लैम्डा टी, और यहाँ हो जाएगा एन नॉट ई टू पार माइनस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 8 लैम्डा है, तो हो जाएगा 8 लैम्डा टी। कुछ कैंसिलेशंस कर लेंगे तो आंसर मिल रहा है 1/e इज इक्वल्स टू, ये ऊपर निकल जाएगा तो e की वैल्यू 8 लैम्डा टी है, लैम्डा टी है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस का टर्म बन जाएगा तो प्लस ऑफ 7 लैम्डा टी। अब यहाँ सॉल्व करेंगे e टू पार माइनस 1 आएगा और यहाँ पे भी e का टर्म है, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7 लैम्डा टी आ रहा है, या इसको इधर पे लिख सकते थे अपन। टाइम कितना आ रहा है बच्चों, नेगेटिव में 1/7 लैम्डा, एक्चुअली ये नेगेटिव का टर्म यहाँ पे आ रहा है और आंसर या क्वेश्चन पूछने वाले को एन ए बाय एन बी पूछना चाहिए था, बट ये मिस प्रिंट में जा रहा है अपना, और क्लोजेस्ट आंसर जो मिल रहा है अपन को वो ऑप्शन 2 लग रहा है, बिकॉज टाइम तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, मैथमेटिकली सॉल्व करने पे यहाँ पे टर्म मिल रही है, क्लोजेस्ट अपन बी लगाएंगे, वी आर नॉट वेरी श्योर ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन में काउंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, फिलहाल अभी इसका आंसर सेकेंड मार्क कर लो, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 142 में, अपन को इस सर्किट का इक्विवेलेंट मतलब इनमें से क्या बना रहा है ये, है ना। कुछ कुछ तो अपन समझ जा रहे हैं कि ये और गेट के आगे नॉट लगा है तो नॉर गेट है बच्चों ये, ठीक है, ये तो नॉर का काम कर रहा है, ये क्या है और के आगे फिर से क्या लगा, एक बबल लगा है, तो ये भी क्या बन जाएगा नॉर गेट है, ये क्या है, ये नॉट गेट है बच्चों, ठीक है, ट्रायंगल है फिर बबल है। इसको सिंपलेस्ट वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ए और बी लिखा है तो यहां तक चल के क्या आएगा, ए आएगा और बी आएगा, और का काम क्या होता है ए प्लस बी कर देना, बबल का काम क्या होता है जो भी इसके पास आएगा उस पर बबल लगा देना। अब देखो पैरेलल कनेक्शंस है तो ये चीज दोनों में चली जाएगी और उसकी ऑरिंग करोगे तो यहां पर कितना आएगा, उतना ही मिलेगा,
ठीक है, जैसे ए प्लस ए कितना होगा, ए ही होने वाला है बच्चों, तो यहां से लेके यहां तक कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर देखो बबल का काम क्या है, बबल का मतलब है इसको कुछ भी दोगे आप, ठीक है, तो क्या करेगा उसका, ये एक बबल लगा देगा। तो बबल का बबल मतलब दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, कैंसिल हो गया ये। दैट मीन्स यहां पे कितना आ रहा है, ए प्लस बी कंबाइंड एक इनपुट बन के आ रहा है, ठीक है। बबल का काम क्या होता है, जो भी इनपुट दोगे इसको उसको बार लगा देना। और थ्योरेटिकली इसका मीनिंग क्या है, और हो रहा है और नॉट लगा है, तो आंसर क्या हो रहा है बच्चों, नॉर लगा होगा, ठीक है, ऑप्शन टू इसका सही जाएगा। सीक्वेंस बस लिख लेना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, कभी भी गलती नहीं करनी है। ए लिखा, बी लिखा, इसने क्या किया, इसके साथ क्या होगा, पैदल जाएंगे तो सेम हो जाएगा, फिर बबल लगाया है, और यहाँ देखो नॉट है, ये तो सबको पता है, तो नॉट ने अपना काम कर दिया। और अल्टीमेटली इसको देखने के बाद और इन दोनों को देखने के बाद मैं लिख सकता हूं कि ये चीज नॉर गेट है, और ऑप्शन टू मेरा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन 143 देखते हैं। कहता है रेजिस्टेंस किसी वायर का आर है, उसको मेल्ट किया और स्ट्रेच किया है ना, नया ला के नहीं लगाया गया है, स्ट्रेच कर दिया है एन टाइम्स इसकी खुद की लेंथ से। हमें कहना है इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट। पहले ये समझ लो स्ट्रेच करना का क्या यहाँ पे मीनिंग बनता है। जब भी स्ट्रेच वगैरह के क्वेश्चन आए तो अप्रोच कैसे करना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ये एन टाइम्स बढ़ा दिया गया है, जब 2-4% बढ़ाएंगे ना तो इसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कंसेप्ट से करना, और जब नहीं पता हो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ही करना तो ही सही होता है, वरना आंसर गड़बड़ आने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइड बाय ए। स्ट्रेच कर रहा है इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, तो जल्दी से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन वॉल्यूम में, एल और एल से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम का टर्म आ गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, रो डिवाइड बाय वी, इन दोनों को लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सा फॉर्म है, डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे अपन, ठीक है, रो एल का स्क्वायर वी। अब मैं लिखता हूँ नया वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, रो तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे नया वाला लेंथ और उसका स्क्वायर लग जाएगा। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसको एन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ कर दिया है, मतलब कहने का है जो नया लेंथ है वो एन टाइम्स पुराना वाला लेंथ है, इस टर्म को यहाँ रख दो, तो आ रहा है आंसर अपना रो बाय वी, या अंदर जाएगा तो हो जाएगा एन का स्क्वायर एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर डैश। फर्स्ट इक्वेशन से मिलाओगे तो ये और ये टर्म तीनों यहाँ पे दिख रहे हैं, और अपना आंसर आ रहा है एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, और ये हो जाएगा आर डैश। थ्योरी में एक पॉइंट भी पढ़ते हैं अपन, स्ट्रेच करेंगे एन से तो स्क्वायर से चेंज होता है, इन सब की नीड नहीं थी, यहीं पे दिख रहा है आंसर अपन को, ऑप्शन नंबर टू इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन 144 में देखो, देर आर टू कार्स और ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलकर आ रहे हैं 22 और 16.5 की स्पीड से। फर्स्ट गाड़ी का जो ड्राइवर है इसने फ्रीक्वेंसी के साथ एक हॉर्न ब्लो किया है जो कि 400 है, और कहता है कि सेकंड वाले को कितना फ्रीक्वेंसी समझ में आएगा, वेलोसिटी ये यूज करनी है। तो देखो साउंड के साथ साथ बॉडी का रिलेटिव मोशन भी हो रहा है, इसलिए इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगी सोर्स फ्रीक्वेंसी, और दूसरी वाली जो फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी वो हो जाएगी एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ डैश का टर्म। जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट से सॉल्व करना चाहिए अपन को, तो ये हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट, ये साउंड और लाइट दोनों के लिए होता है, तो डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड। ये अजम्पशन में रख लो कि अपने पास एक इस तरह का व्हीकल होगा और ये भी एक इस तरह का एक व्हीकल, दोनों के दोनों आपस में अप्रोच कर रहे होंगे, जिसको फर्स्ट बोलो और जिसको सेकेंड बोल दो। फर्स्ट बोलोगे तो ये हो जाएगा सोर्स और ये हो जाएगा ऑब्जर्वर, क्योंकि इसने हॉर्न ब्लो किया है, इसको बोलेंगे वी। इतनी कहानी होती है सिंपल सी, यहाँ कुछ सोर्स फ्रिक्वेंसी मिलेगी और इसको वो नहीं मिलने वाली, चेंज होके मिलेगी। फॉर्मूला अपन को पता होता है कि एफ डैश कितना होगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा एफ नॉट लिखते हैं पहले तो, और न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर के साथ बात होती है। तो देखो इन दोनों को देखो अपोज करते हुए आ रहे हैं, और मैकेनिक्स में अपोजिट वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा वी प्लस वी नॉट। डिनोमिनेटर में सोर्स के साथ कंपेयर करते हैं, सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ हो जाएगा वी माइनस वी एस।
एफ नॉट का टर्म है यहाँ पे बच्चों 400, और ये ऊपर लिखा हुआ है 340, तो लिख लेते हैं अपन 340 प्लस ऑफ ऑब्जर्वर का स्पीड है 16.5, तो हो जाएगा 16.5 डिवाइड बाय, इसको लिखो 340 नेगेटिव के साथ, सोर्स चल रहा है आपका 22 पे, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, 400 है मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिल रहे हैं अपन को टर्म 356.5, और यहाँ से 22 जाएंगे तो बचेगा 318, जो कहीं ना कहीं बच्चों 1 पॉइंट आसपास आएगा ये 2 के, और आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 448 के आसपास, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी होगी अपेरेंट की जो अपन को मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही मार्क कर लेंगे। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे, डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, ये लिखा और सीधा आंसर आ गया अपना, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन 145 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक्स है, कहता है रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ERMS की वैल्यू है 6 वोल्ट पर मीटर, अपने को पीक वैल्यू बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, पीक का मतलब होगा यहाँ पे बी का नॉट बताना है, या तो बी ऑफ पी या बी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है बेटा। तो पहले बेसिक सा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, छोटा वाला सी मतलब EM वेव की स्पीड, ये होता है बच्चों ई बाय बी, जिसको अपन अपने हिसाब से एक्सचेंज या इंटरचेंज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर टीचर ने ऊपर लिखा है RMS और यहाँ है बी RMS, इसको आप ई नॉट बाय बी नॉट भी बोल सकते हो, और कई बार थ्योरी पढ़ते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू, इससे और इससे आगे बढ़ा लेते हैं। सी का मतलब होता है 3 × 10⁸, ये वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 6 वोल्ट पर मीटर, तो आपको बी RMS का टर्म देखने को मिल जाएगा, बी RMS है ना, इधर आ जाएगा तो बचेगा बच्चों 2 × 10⁻¹, और ये हो जाएगा टेस्ला। अब क्योंकि क्वेश्चन वाले ने अपन से क्या मांगा है, बी नॉट मांगा है, सिंपल सी बात है, तो एक और फॉर्मूला होता है बी ऑफ RMS इज इक्वल्स टू होता है बच्चों बी नॉट डिवाइड बाय √2, तो यहां से बी नॉट लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ RMS जो कि यहां लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2 × 10⁻¹ टेस्ला, ये 1.414 × 2 है, तो ये -8 भी आएगा ही आएगा, तो ये आ जाएगा अपना 2.8 के आसपास, तो 2.8 ऑप्शन के हिसाब से 83 कहता है ये, × 10⁻¹ टेस्ला, इसको अपन कह देंगे मैक्सिमम वैल्यू, और ऑप्शन 1 इसका सही जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर आंसर नहीं आया, ये RMS वैल्यू है, RMS से अपन को क्या चाहिए, पीक वैल्यू चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 146 में यहाँ पे दो रॉड्स हैं ए और बी, और अलग अलग मटेरियल है, इसलिए देखो तो यहाँ पे लिखा है K1 और K2, साथ में वेंट कर दिया है, और थर्मल कंडक्टिविटीज K1 K2 मैंने बताया अभी, और अपन को कंपोजिट रॉड की मतलब टोटल बतानी है। तो कुछ देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि T1 को बड़ा कर लेते हैं T2 से, ताकि अपने को हीट जो है इधर से जाती हुई ऐसे दिखाई दे जाए, जैसे मान लो कुछ हीट आएगी तो यहाँ पे निकल जाएगा H1 और यहाँ निकल जाएगा H2, पैरेलल है ना ये, तो अपने पास पैरेलल का एक कंसेप्ट होता है, जो टोटल हीट होगी बच्चों वो दो पार्ट में जा रही है H1 और ये हो जाएगा H2, डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटीज, जिसका ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा वहाँ पे ज़्यादा कंडक्शन हो जाएगा, और दोनों का सम कर देंगे एलजेब्रिक, तो ये मिल रहा है अपन को। हीट का एक हीट फ्लो का या हीट करंट का एक एक्सप्रेशन होता है, इसको लिखते हैं KA, जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2 यहाँ बड़ी वैल्यू आती है, और जो भी डिस्टेंस सपोज L पड़ रहा है ना, ये अपन को याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले, H होता है KA T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L। अब नेट की बात कर रहे हैं, मतलब इसको पूरा एक कंपोजिट अज्यूम करके पढ़ना है, ये पूरा एक मान के पढ़ना है, ठीक है। तो K की जगह पे हो जाएगा बच्चों K इफेक्टिव, A का मतलब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक एरिया होता है, और ये भी क्या हो जाएगा, एक और एरिया हो जाएगा, तो कंप्लीट एरिया कहलाएगा आपका 2 times of A, इस एंड पे टेम्परेचर है आपका T1, इस एंड पे है T2, और लेंथ है बीच में D,
ये बन रहा है अपना इसका टर्म। चलो H1 सोचते हैं, H1 का मतलब है यहां से कितना हीट निकल के जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा K1, ठीक है, K1 है ना इसका कंडक्टिविटी, और A हो जाएगा सिमिलरली ये हो जाएगा T1 माइनस T2। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों एंड पे टेम्परेचर है, और डिस्टेंस या दोनों की लेंथ कितनी है बच्चों, डी। ठीक है, प्लस करूंगा मैं यहाँ पे K2 और यहाँ A, 2A/2 नहीं आएगा, अपन ने इसको A अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये होना चाहिए T1 माइनस ऑफ T2 डिवाइड बाय स्मॉल डी। जो चीजें अलग हो रही है उनको अलग कर देते हैं, ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ए भी यहां से अलग कर देते हैं बच्चों, और अपना आंसर मिल चुका है इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, ये आ रही है K1 प्लस K2 और यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। बेसिकली ये पैरेलल वाले की थ्योरी में भी अपन याद करके आते हैं, और क्वेश्चन वाले ने वही एग्जैक्टली पूछ दिया है, कुछ चेंज नहीं किया है, तो ऑप्शन 4 से ही जाएगा। और यहाँ देखकर भी दिख रहा था कि अपन डायरेक्ट ये लिख सकते थे, पैरेलल में हो जाता है K1 प्लस K2/2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो आप। प्रॉब्लम 147 में ये बताना है अपन को कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस दे, है ना। फॉरवर्ड और रिवर्स की कहानी पहले समझा देता हूं मैं। अगर ये आपके पास कोई डायोड होता है बच्चों, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया अपन ने, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है, ठीक है, हमें ये समझना है कि ये फॉरवर्ड सिर्फ तभी कहलाएगा जब ये वाला पॉइंट रिलेटिवली हाई वोल्टेज पर हो और ये वाला उससे रिलेटिवली लो पर हो। कहने का मतलब है अगर ये +2 वोल्ट है और ये +1 वोल्ट है, दोनों प्लस में ही बट रिलेटिवली ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कॉपीज वगैरह में थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो इससे काम चल जाता है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इससे आना चाहिए। सिमिलरली यही कहानी अपनी रिवर्स बायस की भी होती है, तो उसके हिसाब से अगर अपन पढ़ें तो ये जो रिवर्स बायस है इसको थ्योरेटिकली ट्रांजिस्टर वगैरह में, डायोड में कभी पढ़ते हैं तो बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर देते हैं और बुलाने लगते हैं कि ये रिवर्स बायस है ना। एक्यूरेट तो नहीं है यहाँ पे, ये नेगेटिव किया और पॉजिटिव किया। आंसर क्या होना चाहिए कि ये जो बैटरी है ये वाला रिलेटिवली कम पे होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला रिलेटिवली ज्यादा पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अपने पास +2 वोल्ट है, तो ये वाला प्लस पे अगर सर ने 4 वोल्ट कर दिया, तो देखो हैं दोनों प्लस के ही, लेकिन ये ज्यादा पर है और ये कम पर है, तो ये हो रहा है अपना रिवर्स और ये हो रहा है अपना फॉरवर्ड। ये बेसिक थ्योरी है, यहाँ लगाते हैं इसको। ये डायोड दिख रहा है बच्चों, और यहाँ लिखा है -4 वोल्ट और -3 वोल्ट। -4 -3 में ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव पे बड़ी वैल्यू है, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस फर्स्ट वाला। इसको देखो, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑटोमेटिकली सबको समझ में आ रहा है कि ये भी कितना है, रिवर्स बायस। पी वाले पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, सेम वही एग्जाम्पल जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ठीक है, ये 2 और 4 लेकर। तो क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा अपना, रिवर्स बायस। इस पे ढंग से देखो, 0 वोल्ट है लेकिन है तो प्लस में, ये माइनस का है, रिलेटिवली ज्यादा ये होगा, तो ये चीज इकलौती अपनी किस में आ रही है, फॉरवर्ड में, और यही अपना सही आंसर होगा। ध्यान रखना है फॉरवर्ड रिवर्स की कहानी में रिलेटिवली ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं कि बस प्लस और माइनस चेक करना है, रिलेटिवली ज्यादा या रिलेटिवली कम। तो ऑप्शन 4 मिल रहा है फॉरवर्ड, ऑप्शन 4 में मिल रहा है बच्चों फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 148 में कहता है एक 250 टर्न्स का कॉइल है बच्चों, लेंथ दे दिया है और विड्थ भी दिया है सेंटीमीटर्स में, करंट बताया गया है, और कहता है मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी 0.85 टेस्ला स्ट्रेंथ है। वर्क डन पता करना है अपन को, 180 डिग्री के साथ रोटेट करेंगे अगेंस्ट, राइट। तो ये थ्योरेटिकली एक डेरिवेशन करना होता है अपन को, वर्क डन ऑन अ कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क, ठीक है, जिस एंड पर स्टूडेंट टॉर्क होगा उसके अगेंस्ट में ले जाएंगे, तो जो वर्क डन होगा ना बच्चों वो हो जाएगा MB, और ये होता है cos θ1 माइनस ऑफ cos θ2। एक्सप्लेन करता हूँ, ये एम तो मोमेंट है और ये दोनों बातें अपन को गिवन है, ये इनिशियल एंगल होता है, ठीक है, जो कि यहाँ गिवन नहीं है, और फाइनल एंगल इसको बुलाते हैं। ध्यान रखना फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, cos θ1 होता है माइनस cos θ2।
इसको इस तरह से समझ के देखो कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में जिसको बी बुलाया गया है, और ये आपके पास एक कॉइल रखा हुआ है, इस तरह से करंट इस पे पास होता है, तो सामने की तरफ क्या हो जाएगा, एम का टर्म होगा। तो एम क्रॉस बी, इनिशियली थीटा वन को जीरो मान लो, इसको पलटा दोगे तो थीटा टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री से रोटेट किया है मैंने अगेंस्ट में जा कर के टॉर्क के, ठीक है। और यहाँ पे एम का टर्म होता है एन आई ए, ये हो जाएगा बी, ये हो गया कॉस 0 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 180 डिग्री, ठीक है। एन का टर्म होता है 250, क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है। आई होता है बच्चों 85 माइक्रो, का मतलब होता है -6, ठीक है। एरिया का मतलब है लेंथ और ब्रेथ लिखना है, तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1.25, दोनों के दोनों सेंटीमीटर में है, मीटर में लेके जाओगे तो -4 लिखना होगा। मैं ये तीन चीज़ें लिख चुका हूँ। ये बी का टर्म क्या है, ये 0.85 टेस्ला है, तो हो जाएगा 0.85 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 होता है 1, ठीक है, 1 माइनस ऑफ -1 दैट विल बी 2। ये मैथमेटिकली पूरा सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आसपास मिलेगा अपन को आंसर 9.1 माइक्रो जूल्स, वर्क डन है तो जूल्स में मिल रहा है, और ये आंसर अप्रॉक्स में गिरता है, ठीक है। मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है इसको। थ्योरी क्या है अपनी, जब भी वर्क डन करेंगे है ना अगेंस्ट में जाकर, तो थीटा वन पहले आएगा, थीटा टू बाद में आएगा, और ये एम बी कॉस थीटा के फॉर्मूले से अपन डेराइव करते हैं। इस प्रॉब्लम में इस फिगर की जरूरत पड़ेगी, और बहुत कुछ यहाँ पे मेंशनड है, मैं कहूँगा सब कुछ यहाँ गिवन दे दिया है इसने, एन आई ए बी, ठीक है। इसको बी ना भी पढ़ते हैं अपन लोग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 149 कहता है थीटा वन थीटा टू दो गलत एंगल्स हैं अपेरेंट, एक ऐसे वर्टिकल प्लेन पे ऑब्जर्व किए हैं जो आपस में राइट एंगल बनाते हैं। अपने को सही ड्रिप पता है जो कि थीटा है, और इन तीनों में क्या रिलेशन है वो पता करना है। तो पहले तो मैग्नेटिक मेरिडियन का कंसेप्ट सीख लो बेटा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरह का एक रेक्टेंगुलर प्लेन होता है अपने पास, जो कि मैग्नेट साउथ नॉर्थ से पास होता है। इस पॉइंट पर बैठ के देखेंगे और नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहेंगे तो नीचे की तरफ जाते हुए बीवी दिखाई देगा, और यहाँ पे जाएगा बी एच, तो जो निडल होगी वो आपकी कुछ इस तरह से एक एंगल क्रिएट करना शुरू करेगी। नॉर्थ में होंगे तो ये नॉर्थ साइड होगा, और ये थीटा हो जाएगा, ये आदमी जा रहा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, है ना। ये बेसिक सी थ्योरी है बच्चों। ये एग्जैक्ट जो एंगल बनता है वो बी ई का टर्म बनता है। यहाँ पे जो थीटा लिखा है ये ट्रू डिप का एंगल है, इतनी सी बस बात है। इस पॉइंट पर बैठोगे तो बीवी कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो वो यहाँ ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो है बीवी, और सामने कौन जा रहा है, नॉर्थ की तरफ बी एच। तो डायग्राम और मेन एग्जाम में ये समझना है कि अपन को बी एच चाहिए। इस पे जो एंगल आता है उसको थीटा कहते हैं, दैट्स इट। ये लास्ट लाइन बनाई गई है, ट्रू डिप इज थीटा, सिंपल। फर्स्ट लाइन फिर रीड करो, ये दो एंगल बनाने हैं एक ऐसे प्लेन पे जो आपस में राइट एंगल बना रहे हो, मतलब इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे ना, मतलब अल्टरेशन करोगे तो सही की जगह ये गलत आंसर करने लगेगा। और यहाँ पे एक प्लेन शिफ्ट हो गया, और इससे 90 डिग्री एक और प्लेन शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस पे आंसर मिलेगा थीटा वन, इस पे आंसर मिलेगा थीटा टू, ये दोनों बेचारे 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में, मतलब एक अगर अल्फा बनाया सर ने तो एक एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये ज्योमेट्री चल रही है यहाँ पे अभी फिलहाल। ये बी एच है, इसको शिफ्ट कर लोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा बी एच कॉस अल्फा, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये टर्म आएगी वो हो जाएगी बी एच कॉस 90 माइनस अल्फा, की जगह पे अपन लिख देंगे साइन अल्फा। और जैसे ही अपन ट्रू डिप को लिखते हैं पेपर में, अगर फॉर्मूले याद है तो इतनी सारे बात की जरूरत ही नहीं है। ट्रू डिप का मतलब होता है सीधा आंसर लिखो टेन थीटा, और सामने होता है बीवी और यहाँ होता है बी एच। सिमिलरली अगर टीचर ने अपेरेंट सिखाया है तो अपेरेंट डिप भी अपन लिख सकते हैं। इसको छोड़ के इन दोनों जगह पे गलत डिप आ रही है, मतलब थीटा वन आ रही है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा वन, ठीक है। बीवी तो तीनों के लिए कांस्टेंट होगा तो कॉमन होगा, सेम रख देता हूँ, और बी एच की जगह पे ये वाली टर्म आएगी, तो यहाँ आना चाहिए बी एच क्योंकि ये गलत है, तो कॉस अल्फा। सिमिलरली जो टेन थीटा
थीटा टू, मतलब दो बार गलती करी इसने, थीटा वन थीटा टू, तो बीवी का टर्म तो वही रहने देते हैं, और यहाँ हो जाएगा बी एच, बच्चों ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये है क्या बीवी बाय बी एच, और यहाँ पर भी ये जो बीवी और बी एच का टर्म है वो तो एक्चुअल डिप के टर्म्स हैं। इन्हीं चीजों को अगर अपन देखें तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा डिवाइड बाय हो जाएगा टेन थीटा वन। ठीक है, और यहाँ आ रहा है साइन अल्फा, इसको इधर ले आया मैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा टू। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है बच्चों वन। ठीक है, और इसको स्क्वायर कर लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा तो बाहर ही आ रहा है अपने पास, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और अंदर बच रहा है वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा टू। सिंपल हो रहा है, इधर जाएगा वन बाय टेन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू। ऑप्शन नंबर फोर अपना सही आ रहा है, मतलब इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू, यही बच्चों हमारा आंसर होगा। इस डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में अपन पढ़ते हैं, डेरिवेशन में भी आता है, थ्योरी में भी आता है, कोई नई बात नया क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये सही सही डिप है और ये दोनों गलत डिप है, मतलब अपेरेंट डिप है, जिनके फॉर्मूले लिखे हैं स्क्वायर मारा है ऐड किया है अपना आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रॉब्लम 150 देखो। एक पोटेंशियोमीटर, हाँ एक्यूरेट होता है, वर्सेटाइल भी होता है, मतलब काफी एक्स्ट्रा चीजें कैलकुलेट कर लेता है, और एक्यूरेट सी तो अपन जानते हैं इसकी लैब वगैरह में, बेसिकली लैब सेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया। और मेजरमेंट करते हैं ईएमएफ का, ईएमएफ करते हैं क्यों ऐसा काम कर रहे हैं ना, सेल की वजह से या पोटेंशियल ग्रेडियंट्स की वजह से या किसी एक कंडीशन जहाँ पे कोई करंट नहीं होता, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पहले तो पोटेंशियोमीटर समझ लो कैसा काम करता है। लैब में जाते हैं तो इस तरह का एक बेंच दिखाई देता है, ठीक है, दो एंड्स होते हैं, किसी भी एक एंड को अपन प्राइमरी अज्यूम कर लेते हैं और ये हो जाता है सेकेंडरी, ये 100 हो गया, ये 200, 300 और ये 400। ठीक है, इस तरफ तो ड्राइविंग सर्किट बनाई जाती है, ड्राइविंग का मतलब है करंट लाने के लिए एक सर्किट तैयार कर देता हूँ। तो ये एक बड़ी सी बैटरी लगा दी अपन ने, ठीक है बेटा, एक एमीटर लगा दिया और रियोस्टेट के साथ ये कनेक्शन दे दिया, तो ये चालू हो जाता है ये। ठीक है, ये प्लस का सिंबल बन गया। अब क्या करते हैं अपन, एक बैटरी लाकर लगाते हैं, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये आपकी बैटरी जिसको स्टडी कर रहे हैं, इस पे आप कंपेयर कर सकते हो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, इसका ईएमएफ देख सकते हो। वो सब कैसे देखते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को ला करके ऐसा नल पॉइंट के साथ जस्टिफाई कराते हैं। तो कंडीशन क्या है कि इस एंड पे, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास हो रहा, तो आईजी का टर्म कितना होगा यहाँ पे, जीरो होगा, ये एक टर्म बनती है, तभी तो यहाँ पे अपन लोग नल पॉइंट देखते हैं बच्चों। नल पॉइंट के टर्म्स में अपन यहाँ बात करते हैं, तो थेरेटिकली जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको ईएमएफ काउंट करते हैं ना, तब ये नीचे वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होता, और किसी भी बैटरी के साथ अगर ऐसा बोला जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, ठीक है, व्हेन करंट इज जीरो, तो बेसिकली होगा क्या, ईएमएफ की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन थ्री इसका सीधा आंसर है। इतना कुछ पढ़ना ही नहीं है अपन को, पोटेंशियोमीटर देखा, ईएमएफ देखा और नो करंट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन फोर ही हमारा बच्चों सही होगा। ये डायग्राम बना हुआ अपना लैब सेशन का, आईजी जहां पे जीरो होता है, तो आंसर देखो, अ कंडीशन जब कोई करंट नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ ही मिलना है अपन को, तो ये हो जाएगा ईएमएफ। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।